पूरा मैच इनके ऊपर है और देखना है किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि इन्होंने अब तक अच्छा फाउंडेशन रखा है। फिर से अगली गेंद, इस बार हवा में गेंद उठा दिया है, देखना है फील्डर उसके नीचे, और ये कैच बड़ी मछली जाल में आती हुई, बड़ा विकेट यहाँ पे आता हुआ, अमल की पारी होती हुई समाप्त। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिलती हुई। देखना है अब आने वाले बल्लेबाज के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पे होगा। नए बल्लेबाज बदिका, एक शानदार हार्ड हिटर, दोनों बल्लेबाज मुजम्मिल और बदिका, सॉफ्ट ओवर में एक अच्छे प्लेयर इस वक्त दोनों की कदम पर जिम्मेदारी। और एक अच्छी गेंदबाजी अब तक करते हुए दो विकेट इन्होंने इस ओवर में निकाले, और जिस प्रकार से गेंदबाजी की है दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज थे उनको इन्होंने चलता किया। अब नए बल्लेबाज आते हुए बुद्धिका, ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, देखना है क्या अब इनकी टीम के लिए आज क्या कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास वो क्षमता है कि ये बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। तो देखना है क्या होगा इस मैच में, स्कोर अभी भी रुका हुआ। फिर से गेंदबाज तैयार, और ज्यादा टाइम न ले क्योंकि हमें मालूम है 31। फिर से गेंदबाज, और विकेट खेलना चाह रहे थे, गेंद थोड़ी सी बाहर, अंपायर के संकेत मिलते व्हाइट, स्कोर पहुंचा 32, 32 रन। फिर से गेंदबाज तैयार होते हुए, प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होने के बाद अब प्रेशर पूरी तरह से बल्लेबाज के ऊपर, अच्छी नींव उन्होंने रखी अब तक। इस बार ये फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ढकेल दिया था, पहला रन आसानी के साथ पूरा कर लिया, एक रन पे संतुष्ट होना होगा। स्कोर पहुंचा 33, 33 रन, अभी भी 30 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए शार्क को, रेड बुल को। देखना है रेड बुल क्या इस मैच में जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की है पूरी तरह से हावी है बल्ला गेंद के ऊपर, लेकिन गेंद ने अब तो पिछले इस ओवर में देखा जाए तो गेंद हावी होती हुई। फिर से गेंदबाज, अच्छा ओवर द विकेट, इस बार अलग बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पे आसानी के साथ नहीं आ रही है, एक रन मिलेगा 34, 34, और इसी के साथ ये चौथी ओवर समाप्त होती हुई। चार ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे लगे 34 रन, 34, तो अगर औसत देखा जाए 8.5 का, जो 9 का औसत उन्हें मेंटेन करना था, अब आखिरी 3 ओवर में इन्हें चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 29 रन चाहिए सर, अब जो औसत है लगभग 10 के पास पहुंचता हुआ, तो यहाँ पे क्या दो विकेट ही खोए, विकेट इनके हाथों में है तो इनके पास वो क्षमता है कि ये बड़े स्ट्रोक खेल के मैच को अपने पास खींच सकते हैं। सर जी, ये जब आपके पास विकेट हो तो आपको आसानी होती है ऐसा टारगेट चेस करने में, जितना अच्छा फाउंडेशन बनाया था इनके ओपनर बैट्समैन ने उसका नतीजा है कि इस वक्त रेड बुल पर थोड़ी टेंशन कम है, प्रेशर कम है। 30 मिनट में 7 ओवर खत्म करने हैं, टीम के कैप्टन को इस बात को नोट कर ले, 30 मिनट्स यू हैव टू फिनिश द 7 ओवर्स। फहीम पांचवी ओवर लेकर आते हुए, फहीम सामने बल्लेबाज बुद्धि का, स्कोर है 34 रन, 29 रनों की जरूरत 18 गेंदों में, 18 balls, 29 run required to win this match for Red Bull.
बुद्धि का एक जबरदस्त आडिटर इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। मुजम्मिल जैसे बल्लेबाज, बुद्धि का जैसे बल्लेबाज अब तक ग्राउंड पर शानदार बल्लेबाज है दोनों ही। फहीम लेफ्ट आर्म और विकेट, फहीम गेंद करेंगे बुद्धि का के लिए। ओ अच्छी गेंद, खेलने की कोशिश बल्लेबाज की लेकिन नाकाम होते हुए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर है 34 रन। पांचवी ओवर का गेम जारी, फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस, स्कोर 34, लॉस ऑफ 2 विकेट्स रेड बुल। फहीम फिर से एक बार लेफ्ट आर्म और विकेट गेंद करेंगे बुद्धि का के लिए। वैसे एक बार चकमा देती हुई गेंद, बल्लेबाज खेलने में नाकाम होते हुए लगातार दूसरी गेंद डॉट हुई है। कोई रन नहीं, स्कोर 34 रन, स्कोर 34। फहीम शानदार शॉट लेंगे हवा में, फील्डर मौजूद, कैच ड्रॉप की गई है बुद्धि का जैसे बल्लेबाज की कैच ड्रॉप। इस वक्त कुछ भी हो सकता है, बुद्धि का एक शानदार हार्ड हिटर, शानदार हार्ड हिटर बुद्धि का। उनका कैच ड्रॉप करना काफी महंगा पड़ सकता है शार्क को, लेकिन देखना है किस तरह की गेंदबाजी होती है शार्क की जानिब से। स्कोर है 35 रन, स्कोर 35, फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस 35, लॉस ऑफ 2 विकेट्स रेड बुल। दर्शकों के लिए खुशखबरी, आप तक लकी ड्रॉ कूपन पहुंचेंगे कुछ ही देर में, यहां पर लकी ड्रॉ होगा और इस वक्त कैच हो सकती है और मुजम्मिल आउट, 3rd विकेट। लकी ड्रॉ कूपन आप तक पहुंचेंगे, लकी ड्रॉ यहां पर निकाला जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से कि बाउंड्री लाइन के थोड़े दूर हटकर बैठ जाएं, टीम मेंबर्स, प्लेयर और ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाउंड्री लाइन के थोड़े दूर हटकर बैठ जाएं प्लीज। लकी ड्रॉस यहां पर है तो इसका इंतजार करें, अपना नाम और टेलीफोन नंबर लिखकर लकी ड्रॉ बॉक्स में डालें। फहीम सनत के लिए लंबाई लगाने की कोशिश सनत की, लेकिन अंपायर का इशारा वाइट बॉल का आता हुआ, एक रन जुड़ता हुआ रेड बॉल के खाते में। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 36, स्कोर 36, फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस 36, लॉस ऑफ 3 विकेट्स रेड बॉल। फहीम फिर से एक बार लेफ्ट आर्म और विकेट गेन करेंगे, फिर से एक बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, स्कोर 37, लॉस ऑफ 3 विकेट्स रेड बॉल। ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। फहीम लो फुल टॉस खेला है सनत ने, एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए, एक रन आता हुआ एक रन के साथ। स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन, स्कोर 38, लॉस ऑफ 3 विकेट्स रेड बुल।
میں سے ایک بار فہیم ایک بہترین شاٹ گیند باؤنڈری لائن کے باہر چھ رن ہوتی کا ایسے شاٹس کے لیے جانے جاتے ہیں بارہ گیندے انیس رن 12 بال 19 رنز ریکوائرڈ ٹو ون دس میچ فار ریڈ بل یہ گھٹا ہوا بارہ گیندوں میں انیس رن چاہیے بارہ گیندے انیس رن تو میچ اب تک بہت ہی اچھا ہوتا ہوا کیا اب یہاں سے جو ریڈ بل کے بلے باز ہے کافی اچھی بلے بازی کرتے ہوئے اس کے بعد جو میچ ہونے والا ہے وہ ہے پنجاب 11 قطر اور ٹسکر 11 قطر کے بیچ اور ٹاس جیتا ہے پنجاب 11 نے پہلے بلے بازی کرنے کا نرنے لیا اس جیسے یہ میچ ختم ہوتا ہے آپ کو جانا ہے اور اس سے پہلے 12 گیندے 19 رن کافی اچھا میچ اور ہمارے جو درشک آئے ہیں وہ بھی اس میچ کا آنند اٹھا رہے ہیں جو ہمیں لائیو اسٹریمنگ دیکھ رہے ہیں حنان اسپورٹس کرکٹ کلب ڈاٹ کام ٹینس کرکٹ ڈاٹ ان یوٹیوب میں اور کرک لائف ڈاٹ ان یوٹیوب میں آپ اس پورے ٹورنامنٹ کا لائیو اسٹریمنگ دیکھ سکتے ہو 12 گیندے 19 رن پلیز امپائر زیادہ وقت نہ گوائیں بہت سارے میچز ہیں 12 گیندے 19 رنوں کی ضرورت بارہ گیندے 19 رن for sure.
वो जो जगह है फील्डर की, वहाँ पर क्विक फील्डर रहना काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि गेंद वहाँ से जो तेज़ी से निकलती है थर्ड मैन की तरफ सीधे अगर निकल जाए फील्डर के हाथ से चौका हो सकता है। हफीज है वहाँ पर फील्डर, रईस फिर से एक बार गेंद करेंगे सनत के लिए। एक अच्छा शॉट लेकिन फील्डर मौजूद, देख रहे हैं दूसरा लेने की कोशिश, और यहां पर दूसरा रन भी पूरा होता हुआ, दो रन आते हुए, शानदार रन मेट हुए विकेट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, इन दोनों के साथ स्कोर पहुंचा है 56, 56 रन अब तक, 56 बनाई है रेड बुल। बहुत ही बढ़िया अब तक बल्लेबाजी, सिर्फ चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 7 रन, 56 रन हो चुके हैं, 7 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी। और अगेन अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का, स्कोर 57, 57 रन। स्कोर 57, ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस, 57 लॉस ऑफ रईस सनत के लिए। ये अच्छी गेंद, काफी तेजी से निकलती हुई, अपील हुई अंपायर से, अपील हुई हल्की सी अपील, देखना और इस दौरान एक रन पूरा होता हुआ, अंपायर दूसरा रन भी यहां पर पूरा होता हुआ, दो रन आते हुए, अपील हुई अंपायर से लेकिन इस अपील का अंपायर पे कोई असर नहीं। इस दौरान दो रन बल्लेबाजों ने चुराए, इन दोनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 59। स्कोर 59, ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि लाइन से थोड़े दूर खड़े रहें, ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि लाइन से थोड़े बाउंड्री लाइन के दूर खड़े रहें प्लीज, ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि बाउंड्री लाइन के दूर खड़े हो जाएं। और इसी के साथ चौथा विकेट गिरता हुआ रेड बुल का। स्कोर 57, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस, छठी ओवर का गेम जारी, 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सनत आउट होकर पवेलियन में वापस आते हुए, मैं हमारे वॉलंटियर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑडियंस को बाउंड्री लाइन के दूर खड़ा करें प्लीज, ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि बाउंड्री लाइन के दूर खड़े हो जाए। कादर भाई शानदार कट, 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए, लेकिन बुद्धि का रन लेना चाहते थे, तारा का तैयार नहीं। इसी के साथ 6 ओवर खत्म हो चुके, 6 ओवर के खत्म पर स्कोर है 58 रन। स्कोर 58, लॉस ऑफ 4 विकेट्स रेड बुल, ओवर नंबर 6 ऑलरेडी फिनिश, आफ्टर 6 ओवर्स स्कोर 58 रन। पांच रनों की जरूरत, 6 गेंदे 5 रन, 6 गेंदे 5 रन, 6 balls 5 runs required to win this match for Red Bull. आखिरी ओवर लेकर आते हुए देखना है कौन से गेंदबाज है।
शिहाद आखिरी ओवर लेकर आते हुए। सेवंथ ओवर लेकर आते हुए शिहाद, सामने है बल्लेबाज तारका, 5 रनों की जरूरत 6 गेंदों में, 6 बॉल्स 5 रन रिक्वायर्ड। इसके बाद होने वाले मैच टस्कर 11 कतर और पंजाब लायंस कतर, इनके दरमियान लायंस तैयार, टस्कर तैयार। लायंस ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। शिहाद फिर से एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, आखिरी ओवर लेकर आते हुए। हल्के हाथों से खेला, एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए, इसे एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन, स्कोर 59, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ऑडियंस के लिए खुशखबरी है, लकी ड्रॉ कूपन्स आप तक पहुंचेंगे, आपका नाम और नंबर लेकर लकी ड्रॉ बॉक्स में डालें और लक आजमाएं, शायद आपको यहां से आज कुछ गिफ्ट मिलेगा और आप डबल खुशी मनाएंगे, ईद की खुशी प्लस एक गिफ्ट। अच्छी गेंद शिहाद की, ब्लॉक हॉल खेला से एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए, इसे एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 60, स्कोर 60, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 3 रन रिक्वायर्ड। शिहाद फिर से एक बार हल्का दृष्टि खिलाओ, शिहाद पॉइंट की जाने एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए, स्कोर 61, 2 रन रिक्वायर्ड, 3 बॉल्स 2 रन, कुछ भी हो सकता है, अब तक मैच फंसा हुआ, 3 बॉल्स 2 रन रिक्वायर्ड। शिहाद फील्डिंग काफी टाइट की हुई, ऊपर लाई गई है पूरी फील्ड, शिहाद एक बार एक रन यहां पर चुराते हुए बल्लेबाज, 2 गेंदे 1 रन, 2 बॉल्स 1 रन रिक्वायर्ड। और ये मैच अपील हुई है लेग बाय का इशारा अंपायर की जानिब से, और ये मैच रेड बुल ने जीती है। हेलो, रेड बुल ये मैच जीत चुकी है। दो टीमों के बीच मैच हुआ, रेड बुल और शार्क के बीच, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए मैं तस्कर के राकेश सर को बुलाना चाहूंगा। तस्कर के राकेश सर प्लीज कम, तस्कर के राकेश, मिस्टर राकेश प्लीज कम। कम सर, मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए मैं राकेश सर को बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज कम हियर प्लीज, एजाज सर प्लीज टेल हु इज द मैन ऑफ द मैच, मिस्टर एजाज, एजाज सर प्लीज। यस, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच बुद्धिका, बुद्धिका द मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस, प्लीज कम टू गेट
डियर व्हाट, कम कम हियर, यहाँ पे आ जाए सर प्लीज। मिस्टर राकेश फ्रॉम तस्कर, उनके तरफ से ये अवार्ड दिया जाएगा, मैन ऑफ द मैच रहे हैं, बहुत ही बढ़िया इन्होंने अपनी टीम के लिए खेला और मैन ऑफ द मैच के हकदार है ये। हनान प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये दूसरा मैच और दूसरे मैच में ये है मैन ऑफ द मैच के विजेता। बहुत ही बढ़िया, आप देख रहे हैं HPL मैन ऑफ द मैच इन्होंने जीता है और ये फ्रेम आप देख सकते हो इनके लिए। बहुत ही बढ़िया आपने खेला सर जी, आपको बहुत सारी विशेष अगले मैचेस के लिए। नेक्स्ट मैच तो फिर से मैं एजाज सर के पास जाना चाहूंगा, एजाज सर प्लीज। हमारे सब दर्शक जो यहाँ पे आए हैं उनके लिए ये खुशखबर है कि जो ड्रॉ आपके लिए रखा गया है उसका जो कूपन है अपने हाथों में रखे, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आएगा और कूपन आपको उस बॉक्स में डालने हैं और उसके बाद वो ड्रॉ किया जाएगा। प्लीज़ सारे दर्शक जो आज यहाँ पे मैच का आनंद उठा रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है कि आपके लिए एक ड्रॉ रखा गया है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से आपके सामने आएंगे, वो कूपन्स उसमें डालने हैं और फिर ड्रॉ किया जाएगा। आए हुए सभी दर्शकों का हम प्रीमियर लीग T10 सीजन 2 में आप सभी का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। सीजन 2 का ये तीसरा मुकाबला होने जा रहा है और मैं फिर से जाना चाहूँगा एजाज सर के पास, ओवर टू एजाज सर। पंजाब लायंस के ओपनर बैट्समैन इस वक्त ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं, टस्कर की जानिब से पहली ओवर लेकर आते हुए अनुप। अहफाज और प्रिंस ओपनर बैट्समैन पंजाब लाइन की जानिब से, स्ट्राइक पर अहफाज और नॉन स्ट्राइक पर है प्रिंस। अनुप पहली ओवर लेकर टस्कर की जानिब से, सामने बल्लेबाज अहफाज, एक शानदार बल्लेबाज है अनुप, टॉस गेंद से खेला है, एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए खाता खोलते हुए अहफाज अपना और अपनी टीम का एक रन से। पहली ओवर का गेम जारी, स्कोर एक रन बगैर के नुकसान के पंजाब लायंस।